स्कूल में मैम ने कोई सवाल पूछा था और उसका मैं जवाब ही नहीं दे पाई। ऐसा क्या पूछा मैम ने जो आप आंसर नहीं दे पाए? मैंने तो आपको सब कुछ समझाया था। मैम ने तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का क्वेश्चन पूछा था, मैं तो पूरा कंफ्यूज ही हो गई। ये वाला टॉपिक मैंने अभी तक पढ़ाया ही नहीं आपको। चलो आज मैं आपको समझाती हूँ, फिर आप क्लास में हर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे पाओगे। चलो बानी, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू के लिए सबसे पहले मैं आपको प्लेस वैल्यू सिखाऊंगी, फिर हम फेस वैल्यू करेंगे, लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगी। ओके, आज हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। हम ऑलरेडी ये सीख चुके हैं कि टेंस एंड वंस क्या होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, रीग्रुपिंग क्या होता है। अगर हमें वो सब कुछ समझ आ चुका है तो प्लेस वैल्यू आपको बहुत ईजी लगेगा, सुपर ईजी। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ मैंने लिखा 56 और हम ऑलरेडी ये बोल चुके हैं कि यहाँ पे वंस आता है और यहाँ पे टेंस आता है, राइट? तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना प्लेस, प्लेस इसका मीनिंग होता है, यानी कि कोई भी नंबर जिस जगह पे रखा गया है, जिस प्लेस पे है, उसके अकॉर्डिंगली उसका आंसर होगा। जैसे यहाँ पर 6 है, मैंने आपसे पूछा प्लेस वैल्यू ऑफ 6 बताओ। सपोज़ मैंने ये पूछा, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप नंबर में जाओगे, उसकी प्लेस चेक करोगे। प्लेस चेक करने के लिए आप ये वाला पार्ट देखोगे, ये वाला पार्ट। 6 की प्लेस क्या है? वंस। तो आपका आंसर हो जाएगा 6 वंस। अब सपोज क्वेश्चन होता प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो अब हम क्या करेंगे, वापस में नंबर में जाएंगे, उसकी प्लेस चेक करेंगे। यहाँ पे 5 की प्लेस क्या है? 10s। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 10s। वेरी गुड, आपने तो मेरे समझाने से पहले ही आंसर दे दिया। बानी, क्योंकि आप बहुत फास्ट समझ जाते हो हर बात को, तो क्या मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा दूँ क्वेश्चन का? ठीक है, चलो। मैंने एक नंबर लिखा 472, मैं इनकी प्लेसेस भी लिख देती हूँ, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। और मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखती हूँ, आप आंसर बताओगे प्लेस वैल्यू ऑफ 4, क्या मुझे बता सकते हो आंसर क्या होगा? 400। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेस वैल्यू ऑफ 7। 7 10। क्या बात है, शाबाश। एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 2? 2 1s। एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फेस वैल्यू पे। बानी, अब मैं आपको फेस वैल्यू सिखाती हूँ। आप बोल रहे थे ना आपको कन्फ्यूजन है प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू में, पर फेस वैल्यू सिखाने के लिए हम पहले छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, चले आओ मेरे साथ। बानी, क्या आप मुझे यहाँ देख के बता सकते हो यहाँ शीशे में आपको किसका फेस दिखाई दे रहा है? मुझे तो बानी का फेस दिखाई दे रहा है। वेरी गुड, जैसे शीशे में देखने से आपको अपना ही फेस दिखाई देता है जब खुद को देखते हो, ऐसी फेस वैल्यू ऑफ नंबर्स में नंबर की फेस वैल्यू का फेस सेम रहता है, यानी कि फेस वैल्यू ऑफ 5 5, फेस वैल्यू ऑफ 7 7। हमने प्लेस वैल्यू में सीखा कि प्लेस देखनी पड़ती है, यानी कि वो कहाँ है, यहाँ ऐसा नहीं होता, कहीं भी रख दो उसको नंबर में, उसका आंसर सेम रहेगा। चलो हम इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, ठीक है? तो जैसे आपको शीशे में अपना ही फेस दिखाई देता है, फेस चेंज नहीं हो रहा है, ऐसे ही फेस वैल्यू ऑफ नंबर्स में नंबर आंसर चेंज नहीं होगा। जैसे कि मैंने लिखा 56 और मैंने आपसे पूछा, यहाँ लिख दिया वंस, यहाँ लिख दिया टेंस, और मैंने आपसे पूछा फेस वैल्यू ऑफ 5 बताओ, तो आंसर 5 5। अरे क्या बात है, मुझे तो समझाना ही नहीं पड़ा, आपने पहले ही बता दिया। और मैंने आपसे पूछा फेस वैल्यू ऑफ 6 बताओ, 6। तो यहाँ पर टेंस और वंस होने का कोई मीनिंग नहीं है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा हमें, प्लेस वो तो प्लेस थी, ये फेस है, समझ गए आप? ठीक है, चलो मैंने एक नंबर लिखा 764। ओके,
मैं इसकी प्लेस वैल्यूज भी लिख देती प्लेस भी लिख देती हूँ, वंस, टेंस और हंड्रेड्स। अब इसको देख के मुझे आंसर्स बताने हैं। तो आप मुझे बताओ, प्लेस वैल्यू ऑफ सिक्स, सिक्स टेंस, वेरी गुड। ओके, अगर मैं प्लेस वैल्यू की जगह पूछती फेस वैल्यू ऑफ सिक्स तो आंसर क्या होता? Six. क्या बात है। प्लेस वैल्यू ऑफ फोर, फोर वंस, शाबाश। फेस वैल्यू ऑफ फोर, फोर, ओके। फेस वैल्यू ऑफ सेवन, सेवन। आप सीख तो गए हो, बट उसके साथ साथ बहुत ही अलर्ट एंड फोकस बच्चा हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी किया और आपने उसका भी करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड। चलो अब मैं आपको प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू की एक लास्ट चीज़ बताने वाली हूँ, ज़ीरो। ज़ीरो ही एक ऐसा नंबर है जिसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होती है। कैसे? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा 308, ठीक है, और हमने इसके ऊपर ज़ीरो, टेंस एंड हंड्रेड्स भी लिखे। ओके, अब मैंने लिखा प्लेस वैल्यू ऑफ ज़ीरो, फेस वैल्यू ऑफ ज़ीरो। अब बहुत सोच समझ के मुझे बताना, आपके हिसाब से प्लेस वैल्यू ऑफ ज़ीरो क्या है यहाँ पर? ज़ीरो। एंड फेस वैल्यू ऑफ ज़ीरो? ज़ीरो। क्या बात है, बानी ने बिल्कुल ठीक आंसर बताया है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये दोनों सेम क्यों आए। देखो, हमारे जो लॉजिक था अभी तक हम सीखते आ रहे थे उसके अकॉर्डिंगली आंसर ज़ीरो टेंस होना चाहिए था और ज़ीरो वंस होना चाहिए था, बट ज़ीरो टेन का मतलब होता है ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई टेन और वो हो गया ज़ीरो, एंड ज़ीरो वंस का मतलब हो गया ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई वन यानी कि ज़ीरो। इसको एक तरीके से और देख सोच सकते हो, ज़ीरो टेंस का मतलब है कोई ग्रुप ही नहीं है टेंस का, ज़ीरो वंस का मतलब है कोई ग्रुप ही नहीं है वंस का, तो आपका दोनों केस में आंसर ज़ीरो आ गया। अरे वाह, अब तो मुझे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू अच्छे से समझ आ गया है। अब मेरे दिमाग में कोई कंफ्यूजन ही नहीं रही। थैंक यू। वेलकम बानी, मुझे भी आपके जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। थैंक यू सो मच। आज के इस वीडियो में हमने प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू को समझा, उनके डिफरेंसेस को समझा, एंड किसी भी स्टूडेंट के माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है अगर वो इस वीडियो को देख लें तो आई एम श्योर उसका ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। एंड ज़ीरो को लेके एक स्पेशल रूल है वो भी हमने इसमें डिस्कस किया। बट अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इन सब टॉपिक्स के ऊपर बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं विच इज़ पार्ट ऑफ द सिलेबस, वो हम एक सेपरेट वीडियो में सारे सॉल्व करेंगे। मीनवाइल आप प्रैक्टिस के लिए की टू प्रैक्टिस वर्कबुक्स में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, वो आप ले सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।